शिक्षा के नाम पर नौकरी देकर हमीरपुर के 200 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। एक निजी शिक्षा संस्था शिक्षा वार्ता फर्म ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। शिक्षा वार्ता संस्था ने फर्जी तरीके से काम करने के लिए युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी की है। इसी के चलते सैकड़ों युवाओं ने डीसी हमीरपुर संदीप कदम को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। राष्ट्रीय दलित नेता डॉक्टर ओंकार सिंह भाटिया के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की और शिक्षा वार्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि शिक्षा वार्ता संस्था ने हमीरपुर में पंजीकरण के नाम पर पहले युवाओं से 500 रुपये वसूल किए और नौकरी के नाम पर 3000 से लेकर 5000 तक वसूले। वहीं फरवरी माह से लेकर आज तक इन कर्मचारियों को वेतन के नाम पर 1 रुपये तक नहीं दिया गया है। निजी फर्म ने सभी कर्मचारियों को 8000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक का वेतन देने की बात कही थी और इसी वेतन के आधार पर इन युवाओं की नियुक्तियां की गई थी। डीसी कार्यालय हमीरपुर में आए हुए युवाओं ने बताया कि शिक्षा वार्ता के द्वारा झुग्गी झोंपड़ी के प्रवासी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाचार पत्र में नौकरी देने की भी बात कही जा रही थी। साथ ही इस फर्म के नाम से जो पेपर नई दिल्ली से प्रकाशित होता है उस पेपर में नौकरी देने के लिए भी वायदा किया गया था। हमीरपुर में लगभग 500 से अधिक कर्मचारियों को इस कार्य में लगे हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। साथ ही इस तरह का फर्जीवाड़ा मंडी, कांगड़ा व ऊना के जिलों में भी कई दिनों से चल रहा है। हम यहाँ पे शिक्षा वार्ता में इंटरव्यू किए गए थे, शुरू से ये बात है तकरीबन हमारी 15 महीने की, लेकिन पिछले साल सितंबर में उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू के बाद हमें जो है रिक्रूटमेंट दी गई और इंटरव्यू के टाइम हमें ये नहीं बताया गया था कि आप लोगों को जब हम ज्वाइनिंग देंगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में 2000-3000 तक भी लोगों से लिया और लोगों ने दिया इसी उम्मीद से कि हमें मिलेगी, सैलरी मिलेगी आगे एनजीओ के नाम पे। लेकिन उसके बाद जैसे हम काम करते गए तो उन्होंने हमें शुरू में कहा कि आप काम कीजिए, 3 महीने उन्होंने हमें वर्बली कहा कि आप लोगों को हम पहले महीने जितनी आपकी सैलरी होगी उसका 30% देंगे, 50% देंगे और पूरी सैलरी देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया हमें सिर्फ डेट ही मिलती रही कि आपको अगले महीने की 7 तारीख को आपको जो है सैलरी दी जाएगी, फिर उसके बाद दी जाएगी आपको अगले महीने, लेकिन इसी तरह के 6 से 7 महीने हो गए। लेकिन मैं तो यहाँ पे 2 साल पहले से काम कर रही हूँ, लेकिन हम पहले ने फॉर्म भरने की फीस 500 रुपये रखी थी, इस बार लेने तो ज्यादा कुछ नहीं है। फिर जब ये फॉर्म तैयार हो गए, इंटरव्यू तैयार हो गए, बोला कि हम आपको 2000 रुपये फीस रखेंगे, उस बार हम अपनी मनमानी से 2500 लिए, 3000 रुपये, और आज तक हम 2 साल से फ्री है, इन्होंने हमें कोई सैलरी नहीं दी है, हमने परमानेंट काम किया है। यहाँ सर ने अपने शिक्षा वार्ता को ज्वाइन किया था, उसके स्टार्टिंग में ही हमें उन्होंने हमें जॉब देने के प्रोमिसेस किए थे, हमें डिफरेंट ब्लॉक पे, ये जो प्रोजेक्ट था डिफरेंट ब्लॉक में चला था, डिस्ट्रिक्ट में भी चला था, मुझे डीपीओ में सेलेक्ट किया गया था एज अ न्यूज एडिटर। लेकिन सर मेन इशू यही रहा कि ना तो उन्होंने हमें टाइम की सैलरीज दी और जो भी उन्होंने हमसे प्रोमिसेस किए थे वो कोई भी पूरा नहीं हो पाए। इनफैक्ट जहाँ पे इन्होंने हमें ऑफिस दिए थे वो ऑफिस भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लैंड लॉर्ड जो है उनको भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया, और हर जगह कहीं से 500 रुपया लिया रजिस्ट्रेशन का, कहीं का 2000 लिया। इनफैक्ट सर हमारे ऑफिस में तो कुछ कनेक्ट ऐसे भी हैं जिन 15 से 20 हजार रुपये तक पैसे लिए गए। चलो सर मैं अभी इसी संस्था में काम कर रहा हूँ, हमें अभी तक भी आई कार्ड तक इशू नहीं किया सर। आप एज ए क्या हुए थे नियुक्त संस्था में? एज ए आपको क्या था? चीफ एडिटर इन सुवर्णपुर ब्लॉक, सुवर्णपुर ब्लॉक में चीफ एडिटर की पोस्ट पे था मैं, पोस्टें इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दे रखी थी और वादे भी इतने बड़े बड़े किए थे, पर इन्होंने काम जरा भी काम नहीं किया है। इवन सैलरी के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है यूथ के साथ की मतलब गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सीधी सी बात बोली, क्योंकि गरीब बच्चों को दूर से इवन 20-25 किलोमीटर की दूरी से तय करके आना पड़ रहा था इस काम के लिए, प्रोजेक्ट काम करने के लिए, बट किराया अपने पल्ले से खर्च रहे थे, कुछ नहीं मिला उनको, 4-5 मंथ चला हुआ है कुछ नहीं मिल पाया। आपको क्या कमिटमेंट, कितना पैसा देने की कमिटमेंट की? हमें पहले बोला गया था कि स्टार्टिंग में 30-30% मिलेगी, 30% मिलेगी फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में 60%, थर्ड मंथ के बाद फुल सैलरी मिलेगी, बट अब कुछ नहीं दिया है द फर्स्ट मंथ की कुछ मिलेगा। इवन इसके साथ में एक और ये था कि उसके बाद इन्होंने एक दिल्ली से एक एफिडेविट लॉन्च किया 7 तारीख को लास्ट मंथ की, ना वो एफिडेविट अभी तक उसके अकॉर्डिंग भी कोई काम नहीं किया है। हम 3 मंथ से शिक्षा वार्ता में काम कर रहे हैं, के टाइम 2500 रुपीज मेंबरशिप। तो आपको क्या बोला जाता था, काम नहीं मिला, क्या अब क्या क्या उठाया जा रहा है शिक्षा वार्ता स्कूलों में जाके SC ST OBC बच्चों का
सिलेक्शन करना है जो बेहतर बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको संडे वाले दिन ट्यूशन वगैरह देना और उसके थ्रू उनको वो सैलरी देंगे। तो अब जब आप बात कर रहे हैं कि आप ना सैलरी दे रहे हैं ना कहीं जॉब दे रहे हैं तो क्या जवाब आ रहा है शिक्षा मंत्री? कोई सैलरी नहीं है, एक मंथ रुक जाओ दो दूसरा मंथ। राष्ट्रीय दलित नेता ओंकार सिंह भाटिया ने बताया कि नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी की गई है। इस धोखाधड़ी में प्रदेश के कई जिलों के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई महीनों से वेतन के नाम पर युवाओं को एक रुपए तक नहीं दिया गया है। ऐसे में अब ये युवा स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जो शिक्षा वार्ता ने नियुक्त किए थे वे आज माननीय उपायुक्त महोदय से मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे रहे हैं। उसका कारण यह है कि एक एनजीओ के रूप में शिक्षा वार्ता हिमाचल प्रदेश में आई और हिमाचल से होती होती हमीरपुर पहुंची। सैकड़ों कर्मचारी हमीरपुर में नियुक्त कर दिए गए। कर्मचारियों का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया और उसके बाद बहुत से कर्मचारियों से 2,000-2,500 रुपये अतिरिक्त लिया गया और ये काफी लाखों की संख्या में पैसा पूरे हिमाचल प्रदेश से इकट्ठा किया गया। उसके बाद फरवरी से जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में चल रहा है एक भी पैसा जो है कर्मचारियों को जो उन्होंने अपॉइंट किए थे नहीं दिया। इनके साथ धोखा हुआ है, फ्रेब हुआ है, ठगी हुई है, उसका ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। हमीरपुर उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि युवाओं ने शिक्षा वार्ता संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि संस्था पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग को तुरंत इंक्वायरी करने के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस के माध्यम से इसको इंक्वायर करके इसमें जो भी तथ्य होंगे उनको सामने लाया जाएगा और अगर किसी के पार्ट पे कोई भी गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।